तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं FHDL के बारे में। तो FHDL के लिए थोड़ा सा एक ब्लो, मतलब बहुत बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि नीतम अंबानी के पास बैकअप है, पैसा है, तो प्लेयर्स आ जाएंगे फिर से। मतलब प्लेयर नहीं, मतलब नया CEO आ जाएगा, क्योंकि जो FHDL का इतने लंबे टाइम से जो CEO थे मार्टिन बेन, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया। एंड वैसे कोई FHDL के वजह से नहीं किया, उन्होंने जो रीजन दिया वो पर्सनल रीजन दिया है, एंड इसी की वजह से उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया FHDL के एज अ CEO से। तो डेफिनेटली FHDL को चाहिए नया CEO, एंड नीता अंबानी वो चीज को मैनेज कर भी लेंगे। तो नीता अंबानी नहीं करेंगे, उनका मैनेजमेंट है FHDL का, वही नया CEO को अपॉइंट करेंगे। एंड FHDL अभी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर हेड होना, क्योंकि अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है फुटबॉल, एंड यू नो ISL भी इतना ऊपर तक डेवलप हो चुका है। तो एक प्रॉपर लाइक CEO चाहिए FHDL को, एंड जो चीज मेरे हिसाब से कुछ ही दिनों के अंदर ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया जाएगा। एंड ये जो स्टेप डाउन है ऑफिशियली ही कंफर्म किया गया है कि मार्टिन बेन और FHDL के CEO नहीं है, इतने लंबे टाइम से थे। सो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि FHDL का नया CEO कौन होता है, क्योंकि डेफिनेटली जो CEO होगा उनके ऊपर जिम्मेदारी काफी रहेगा, प्रेशर काफी रहेगा। एंड अभी वो CEO बन रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर सिर्फ लाइक मैनेजमेंट का नहीं, ऑडियंस का, लोगों का, फैंस का भी प्रेशर रहेगा कि आप अच्छे तरीके से डेवलप करो। सो काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो FHDL भी डेफिनेटली अपना नेक्स्ट CEO चूज करने से पहले सोच समझ के वो लोग चूज करेंगे। सो देखते हैं कि FHDL के नए CEO कौन बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है FC गोवा की तरफ से। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या माल सोनथंगलुंगा को लाइक यू नो FC गोवा के मेन टीम में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये वही प्लेयर है जिन्होंने अभी गोवा प्रो लीग में एकदम लास्ट मोमेंट में गोल किया था। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑल्दो वो गोवा के ही सेकेंड टीम में है, लेकिन उनको मेन टीम में प्रमोट नहीं किया जाएगा अभी के लिए, तो उनको सेकेंड टीम में ही रखा जाएगा। एंड उनको मोस्टली लाइक यू नो गोवा प्रो लीग में ही यूज किया जाएगा अभी के लिए, क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम होता है, एक प्लानिंग होता है। गोवा प्रो लीग में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वो भी एक मैच में, इसका मतलब यानी कि मेन टीम में प्रमोट कर दिया जाएगा। मेरला मार्कस रुका का या फिर गोवा के ओवरऑल मैनेजमेंट का वो कोई प्लान नहीं है। हाँ, फ्यूचर में हम लोग इनको डेफिनेटली गोवा में देख सकते हैं, इसको लेकर भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये चीज काफी काफी ज्यादा अनसर्टेन नजर आ रहा है। एंड इसका होने का चांसेस लाइक बहुत ऑलमोस्ट निल है, लाइक नहीं होगा, यही आप कंफर्म समझ के चलो। सो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले किस टाइम में, लाइक एक दो साल के अंदर क्या ये FC गोवा में आते नहीं। हाँ, एक दो साल मिनिमम टू मिनिमम लगेगा, क्योंकि अभी गोवा प्रो लीग चल रहा है एंड प्लेयर भी बहुत यंग है, तो टाइम लगेगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दो उसके बीच में, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं मिलता हूँ अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए।